फिलीपींस आर्मी भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का मन बना रही है। अधिकारी ने कहा कि फिलीपींस सेना भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बात कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने 1998 में मिलकर बनाना शुरू किया था। ब्रह्मोस मिसाइल को भूमि आधारित मोबाइल वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसके वेरियंट को युद्ध पोत से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट चीन को लेकर है। चीन ने अपनी सेना परेड में पहली बार अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल DF-41 को दुनिया के सामने पेश किया। रक्षा जानकारों का कहना है कि DF-41 दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल से भारत के साथ अमेरिका को भी खतरा है। अभी अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रही है। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या चीन हाइपरसोनिक हथियारों की तकनीक में सभी देशों से आगे है। दोस्तों, चीन के पास एक और खतरनाक मिसाइल है जिसका नाम DF-17 है। इसकी रेंज 1600 से 2400 किलोमीटर है। दोस्तों, अगला अपडेट भारतीय सेना को लेकर है। भारत के पास जल्द ही लड़ाकू विमान होगा जो लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटिंग 2 और चीन के J-20 से भी एडवांस होगा। भारतीय सेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने मंगलवार को कहा कि भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर MKA पर काम कर रहा है। हम रूस से FGFA और Sukhoi-57 फाइटर नहीं खरीदेंगे। सुपरसोनिक MKA को ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑल वेदर मल्टी रोल MKA फाइटर में स्टील फीचर के साथ ट्विन इंजन होगा। यह एक सीटर वाला विमान होगा। MKA का एक नौ सैनिक वर्जन भी बनाया जाएगा। MKA से हवा से जमीन पर हमला किया जा सकेगा। MKA फाइटर में बेहतर डॉग फाइटिंग क्षमता होगी और इसमें शक्तिशाली थ्रस्ट वाला इंजन लगाया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट फ्रांस को लेकर है। राफेल फाइटर बनाने वाली कंपनी सरफरान ने भारत को MKA फाइटर जेट का इंजन बनाने का ऑफर दिया है। सरफरान कंपनी ने DRDO को इसका प्रस्ताव भेजा है। कंपनी के CEO ओलिवर ने इंडिया टुडे को बताया कि हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का DRDO अध्ययन कर रहा है और कहा कि हम इंजन की सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के इच्छुक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।